गाइस वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। तो हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सी, दैट इज शॉर्ट नोट सी एंड दैट इज फ्रॉम बीजीसी 133 ब्रिटिश लिटरेचर। तो देखते हैं क्या है इसमें। आर्म्स ऑफ द मैन एज अ सटायर। इन आर्म्स ऑफ द मैन सटायराइजेस द रोमन नोशंस अबाउट वॉर दैट ग्लोरीफाई ग्रीसली बिजनेस। तो जो शॉ है वो है ना वॉर के बारे में ग्लोरीफाई करता है, दिखाता है जो बिजनेस से रिलेटेड होता है। इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले द स्विस सोल्डर हु एस्केप्ड फ्रॉम ए हॉरिफिक बैटल आफ्टर 3 डेज ऑफ बींग अंडर फायर इज एग्जॉस्टेड। तो स्टार्टिंग में क्या दिखाता है, जो सोल्डर था जो बैटल लड़के आया वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, काफ़ी ज़्यादा स्टाफ कर रहा है और उस तरह का लाइफ को कंटिन्यू कर रहा है स्टार्टिंग में। सच इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ अ रियल सोल्जर। जो रियल लाइफ सोल्जर के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। That a soldier would prefer food to cartridges in his belt was considered ludicrous by critics, but in the introduction to plays, मतलब जो soldiers के बारे में बोला जाता है कि ऐसा starving होना, इस तरह का होना, वो काफ़ी soldiers लोग का life ऐसा ही होता है, उन इसी तरह का life दिखाते हैं। तो वही इस critics में, इस play में, introduction में दिखाया गया है। Pleasant and unpleasant, Saw was reported to have said that all he had to do was इंट्रोड्यूस एनी डाउटर्स टू द फर्स्ट 6 रियल सोल्जर्स। तो मतलब अपना शॉ का मेन काम यही था कि उस रिपोर्ट में अब किसी भी 6 सोल्जर्स के ऊपर वो दिखाए कि उन लोग कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, कोई भी 6 सोल्जर्स के ऊपर ही डेपिक करे। दे केम अक्रॉस एंड हिज स्टेज होल्डर वुड प्रूफ ऑथेंटिक। और उसको दिखाना था कि मतलब सोल्जर्स की लाइफ कैसे होते हैं उसी के बारे में, ठीक है। लेटर इन दिस प्ले इट इज रिवील्ड दैट द बल्गेरियन चार्ज led by impetuous Sergius won only through a stroke of luck। तो मतलब क्या बोला गया है कि इस प्ले में दिखाया गया है कि जो बल्गेरियन चार्ज था जो इम्पेशियस सर्जन के थ्रू लिया गया था, उन लोग ने स्ट्रोक ऑफ लक, सिर्फ लक के थ्रू उन्होंने उस गेम को जीता था। बिकॉज द सर्व लेड बाय ब्लंचली हैड एक्सीडेंटली बीन सेंट द रॉन्ग साइज कार्टिजेस। क्योंकि मे बी सेट रॉन्ग साइज कार्टिजेस भेजा गया था, इसीलिए बाय लक वो जीत गए उस चीज़ को। The description of Sergius charge that Blanches give unaware that Rena is betrothed to him is a cum highlight of the play। तो इसी बारे में बताया गया कि ब्लंचली एक्सीडेंटली रॉन्ग मिसलीड इन्फॉर्मेशन की वजह से जो सर्गियस है वो जीत जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये रैना इस चीज़ से भी बॉदर्ड होती है, उसको भी अफेक्ट करता है ये चीज़, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट में दिखाया गया। इट इज़ ऑल्सो नॉट वर्दी दैट कैथरीन इज डिससेटिस्फाइड विद अ पीस ट्रीटी बिकॉज इन हर अनरियलिस्टिक विजन ऑफ ग्लोरियस वॉर। तो कहीं ना कहीं कैथरीन भी है वो भी डिससेटिस्फाइड है ये सबसे अपने पीस ट्रीटी की वजह से, क्योंकि कहीं ग्लोरियस वॉर कहीं ना कहीं फेयर नहीं था। दे इज सपोज टू बी अ क्रशिंग रूट ऑफ द एनिमी फॉलोड बाई सेलिब्रेशन ऑफ अ हीरोइक विक्ट्री। तो कहीं ना कहीं एनिमीज का भी क्रशिंग रूट था और हीरोइक विक्ट्री भी दिखाया गया इसमें। सॉस मैसेज हेयर इज दैट देयर कैन बी पीसफुल ऑल्टरनेटिव टू परसेप्चुअल फाइटिंग। तो शॉ का मैसेज यही है कि वॉर ना हो के भी कुछ ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई पीसफुल सॉल्यूशन हो, इस तरह का भी सिचुएशन आ सकता है। ही वॉज डेडिकेटेड थ्रू आउट हिज लाइफ टू कर्विंग वायलेंस। तो शॉ का मेन पर्पज था वायलेंस को हटाना, स्पेशली डेट ऑफ वॉर्स एंड आर्म्स, जो वॉर होते हैं उसको रोकना। आर्म्स एंड मैन वॉज वन ऑफ द व्हीकल्स ही यूज टू प्लीड हिज केस। तो आर्म्स एंड मैन उसी का पार्ट था जिससे वो वॉर को हटा के पीस के बारे में डिस्कस करना चाहता था। दो शॉ वॉज जनरली क्रिटिकल ऑफ द मिलिट्री। दो शॉ मिलिट्री का ही पार्ट था। मोस्ट क्रिटिक्स एग्री डेट इन आर्म्स एंड द मैन ही डज नॉट सटराइज द रियल सोल्जर। तो जो कि वो मिलिट्री के पार्ट थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि सोल्जर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया, उनको रिप्रेजेंट किया, लेकिन उन्होंने गुड एंड बैड दोनों साइड दिखाया। ही अटैक्स रोमांटिज्म एंड प्रोम्पोजिटी बट द केयरफुल रीडर ऑल्सो परसीव्स दैट ही इज नॉट डेनिग्रेटिंग ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ। तो उन्होंने रोमांटिज्म साइड भी दिखाया, प्रोम्पोसिटी वाला पार्ट भी दिखाया और दूसरे फैक्टर्स भी दिखाए, लेकिन ये सबसे जो ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने लैक नहीं किया। In the same spirit, David Saturn says, Bluntly with his daring escape and chocolate eating does not satirize the soldiering। तो उनके बारे में डेविन स्ट्रेन का एक कुछ ओपिनियन था कि वही सोल्जर्स का स्ट्रेंथ ये सब कुछ नहीं हटा के उन्होंने सही सही बात बताया था कि रोमांटिज्म के बारे में उन्होंने बताया था।
द प्ले इज नॉट अगेंस्ट सोल्जर्स, तो ये कोई अगेंस्ट सोल्जर्स नहीं थे, नॉट डज इट एवर स्पीक इल ऑफ देम, इसके बारे में कुछ गलत भी नहीं बोला गया है. दस इन दिस प्ले सॉ डज नॉट रिडिकल द प्रोफेशन ऑफ द सोल्जर, ही सेटराइजेज द रोमांटिक व्यूज ऑफ वॉर. तो वो सोल्जर्स के बारे में ऐसा नहीं कोई खराब चीज़ नहीं दिखा रहा है, लेकिन वॉर होते वक्त भी एक सोल्जर के लाइफ में और क्या क्या एस्पेक्ट होता है, उसका रोमांटिक साइड भी होता है, उन लोगों की खुद की जो लाइफ होती है उसके बारे में बोला गया. दैट वेर प्रिवेलेंट अमंग सम सेक्शन ऑफ हिज ऑडियंस एंड फॉर्म द थीम ऑफ मिलिट्री मेलोड्रामास. तो उनके ऑडियंस को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और ये मिलिट्री मेलोड्रामा, मिलिट्री लाइफ कैसी होती है उनके बारे में डेपिक किया गया था. इनफैक्ट सॉ गिव्स अ रियलिस्टिक व्यू ऑफ द एक्सट्रीम डेंजर्स एंड ट्रामा ऑफ द लाइफ ऑफ द सोल्जर. तो वो उसके ओपिनियन में लाइफ ऑफ द सोल्जर्स में क्या क्या होता है सब कुछ डिटेल्स में दिया गया था. ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का विक्टोरियन कन्फ्लिक्ट. विक्टोरियन कन्फ्लिक्ट रिफर्स टू द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू आइडियाज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ साइंस एंड रिलीजन. तो जो ओल्ड एंड नया आइडियाज़ है साइंस और रिलीजन्स के बेस में जो कन्फ्लिक्ट होता है उसके बेसिस पे है. फेथ एंड डाउट, जो फेथ एंड डाउट के बीच में होता है, यकीन और शक के बीच में, मॉरलिटी एंड राइट्स ऑफ वीमेन उसके बीच में. द पर्पस ऑफ राइटिंग ऑफ द पीरियड रिफ्लेक्ट द विक्टोरियन कन्फ्लिक्ट्स एंसुइंग बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस. तो ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटीज की इसके बारे में भी डील कर देता है, और पॉवर्टी के अगेंस्ट ये वाला कंसेप्ट लिया गया है. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास के बारे में इसको भी बताया गया है. बिटवीन फेथ एंड डाउट, बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एज अगेंस्ट कलेक्टिव एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो सबके बारे में डिस्कशन हुआ गया है. एंड विक्टोरियन मॉरल्स एज अगेंस्ट मॉरल डिके इन द सोसाइटी. सोसाइटी में क्या मॉरल होता है और विक्टोरियन मॉरल क्या होता है इसका कंपेरिजन इसमें बताया गया. ठीक है, विक्टोरियन कंप्राइजेस रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट. इसमें ऑप्टिमिज्म एंड पेसिज्म दोनों दिखाया गया, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड क्या नेगेटिव दोनों ऑफ दैट पीरियड. द पॉजिटिव इमर्ज फ्रॉम द चेंजेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ब्रॉट अप अबाउट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. पॉजिटिव, गरीबी में उनका जीना होता है, स्टारवेशन, जो भूख हड़ताल में उनको रहना पड़ता है, पोअर लिविंग कंडीशन, जो फाइनेंशियल कंडीशन की अच्छी नहीं, वो सबको दिखा रहा है. तो विक्टोरियन जो हमारा विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट है वो दोनों दिखा रहा है, दोनों एस्पेक्ट्स को दिखा रहा है. वो सब चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, नए ओल्ड आइडियाज़, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, सब चीज़ के बारे में दिखा रहा है. तो यही था ये दोनों नोट्स, शॉर्ट नोट्स. उससे पहले मैंने ऑलरेडी ए एंड बी डिस्कस किया था. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो. प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर क्रिएटिव स्टडीज़ के साथ ट्यून रहिए. थैंक यू वंस अगेन फॉर व्यूइंग.